इस्लामी महीना जो जड़ा महीना गुजर रहा है रजब उल मुरज्जब कुछ ये बारे की चीजा जो बयान करनिया जरूरी है। मौका की बात अगर ना बयान हो फिर भी ज्यादती होगी। कुरान मजीद के बयान के मुताबिक चार महीने हराम महीने मिनहार बातुन हुरम 12 महीने साल दे जिन्हां च अल्लाह ताला दा अदब वाले हराम महीने हुरमत वाले चार है जिन्हां च एक कला आउंदा इहदे नाल बाकी नहीं। इस तो इहनूं रजब उल फर्द भी आंदे वह रजब जिहड़ा तन्हा है हराम महीनिया च कला ही है और साल जदों मुहर्रम तो शुरू हुंदा पहला यह ही आउंदा हराम महीनिया च आउंदा और बाद फिर जाके जिहड़े ना आखिर ते तीन महीने इकट्ठे हो जांदे जलकादा जलहिजा और मुहर्रम है वह तीन इकट्ठे। ए रजब का महीना हराम महीनों चो वखरा कला और रजब अरबी जुबान तादीम मानते अदब कर्म रजब तू अहब तू अदम तू किसी शायद की तादीम करना उदा अदब करना उदा एहतराम करना। इस तो तरजीब तादीम का माना मुरजब तादीम किया गया रजब उल मुरजब वह रजब जिहड़ा एहतराम रदब करना जरूरी। तो इस महीने के बारे कुछ चीजा खा मखाए आवाम च मशहूर हो गई उन्होंने तकलीद भी लाजम है क्योंकि जहन पहला साफ करना चाहिए कि आ चीजा तो नहीं साबित नहीं मननिया चाहिए जिन्हों के एक भी है भी आम लोगों च मशहूर है बे चंद हूं कि चढ़िया जी जकात का चंद है। इस महीने लोग जकात का भी पुछते हैं कि जकात का हिसाब किताब करना दीने इस्लाम से जकात का कोई महीना नहीं ना कुरान ना हदीस ना उम्मत के किसी नेक आलम ने कहा। ए मैं 133 सफे तो पढ़ रहा वमेन आकाम रजब इखराज ज़कात काल अबन रजब ला असला ज़ालिक फि सुन्नत वला आरिफाना ज़िम्मन सल। इमाम इबन रजब हम्बली रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे कि रजब के महीने लोग ज़कात कढ़दे सुन्नत च दी कोई बुनियाद नहीं। रसूल करीम अलैहि सलाम ने बिल्कुल नहीं इसका जिक्र फरमाया और ना ही सलफ सालहीन चो पिछले नेक लोगों चो किसी का हवाला मिलता भी किसी इमाम ने सहाबी आलम ने कहा हो। इस तो इन जो कह रहे लोग भी ये ज़कात का चंद है ये बेअसल गल है इसकी दीन च कोई हकीकत नहीं ना इसकी कोई दलील है। नाल इस महीने के अंदर बहुत सारिया नमाजा बहुत सारे नफल इन्हों का भी जिक्र किया लोगों ने दसिया भी पहली रात के अंदर ही आ दुआवां अगर कीतियां जान तो कबूल हुंदियां और जिक्र करने वाले भी कोई मामूली आदमी नहीं। हजरत शेख अब्दुल कादर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह गुनिया च बयान फरमाया मगर ए 135 सफे से फरमाते कद ज़ाकर शेख उल जीली फिल गुनिया थे अल अदियत अल मासूरत दफी अव्वल लैलत मिराज के शेख जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब गुनिया च बहुत सारिया दुआवां दसियां क्या हदीस चाहुंदियां पहली रात वज़ा कर आया जनाना फी तुस्ताब दावा और ये भी क्या बेद दुआवां कबूल हुंदियां वज़ा कर आया जना सलात अल वारदात फी नमाज भी दसी है कि पहली जुम्मे रात नूं आ पढ़ो एना दिना च आ पढ़ो वक्त सौ फी रोजे भी दसे है। ला कि ला इसे मिना शै एक भी उन्हां दुआवां चो या नमाजा चो सही नहीं साबित नहीं। अखबार साले तुम देखने तो बहुत फिर छाप देंगे क्या भी रवायत आई है आई नू की करना साबित नहीं। बल राहया तुल वजे लाया तुम कमा राय अखबारा मल वजना ममार साहब ख्याद शान आंदे जिन्हों मामूली भी मासा ना इलमे हदीसा वो जानता बे सही ना होना दे कुजा रहा बनावटी होने दिया निशानियां उत्ते साफ नजर आ कि मन करत गला बनावटी हुण हैरान नहीं होना कई लोगों के दिल में चोट लगती ना कितने बड़े बुजुर्ग है और उन्होंने लिखिया तुम आते सही नहीं ले कुल्ले फने रिजाल हर कम कर ली अल्लाह ने बंदे वखरे वखरे बनाए। ये सूफिया है किराम का गुरो अल्लाह उन्होंने ते रहमत करे साढ़े सर के ताज है ये दिलों पाक साफ करने का फन जरा ये माहिर ये काम यह करते रहे कि लोगों को गुनाह तो तौबा कराने लिये अल्लाह की तरफ लिया उन्होंने रोना सिखाना तौबा करनी सिखानी इन्होंने वाद जो तासीर उदो भी सी हुण भी है कोई शक नहीं भी इन्हों दिताबा च चीज अज भी कोई आदमी पढ़े तो उन्होंने मिलूगी बे अल्लाह आ जाता और दिल सौफे खुदा पैदा हो जाता मगर इलमे हदीस जो शेख ते सूफी है मौलाना अब्दुल लखनवी रहमतुल्लाह अलैह उम्र गुजार दी बहुत बड़े हनफी आलम से किनिया किताबा ते हाशिए लिखे शराब विकाया मगर मेरा उम्र पर्दा निचोड़ समझो
फिका की वड्डी तो वड्डी किताब की किसे हदीस का हवाला आवे तो एतबार नहीं करना, जिन्ना चेर उन्होंने हदीस की किताबा जो नहीं कढ़ के वेखना। खुद अपने मसल दिया किताबा चाहते कि मैं वेख्या चोटी की किताबा बनावटी हदीस सिरे तो उन्होंने नामो निशान कित नहीं, बड़े बड़े लिखे उसकी वजह यह हर आदमी हर काम नहीं कर। हदीस का फन जड़ा है हदीस के आलमा का, उन्होंने रावी वेखे कौन बयान करता है सच्चा झूठा मिलया नहीं मिलया। इस पारों शेख जिलानी रहमत लाले की गुनिया का भी हवाला देवे कोई देगा कोई नहीं सही नहीं बिल्कुल नहीं ठीक चीजा। इस महीने के अंदर इमाम 71 सफे से फरमाते लम यरिद फी फजले शहरे रजब वला फी सियामे वला फी सियामे सामने मुअय्यन वला फी क़ियामे लैलत मखसूस हदीस सही असल हुज्जा। ना इस महीने की शांत ना रोजे रखन च इन्ने साल का सवाब एक रोजे का, ना किसी खास दिन के रोजे का, ना किसी खास रात के नफलों का, कोई एक सही हदीस नहीं आई जी हुज्जत हो सके दलील नहीं बन सकी। इसे तरीके 70 सफे से लिखते वक्त जाकर अब्बाद उल कुसास अन्नलिसरा कान फिरज यह भी मशहूर है और हूं कई लोगों ने उदन रात जागना रखना लैला तुल कदर ना भी अफजल है मेराज की रात। तो फरमाते बाद किस्सा लोगो किस्सा कहने वाले कहानियां सिर्फ इलम ना वास्ता नहीं वह भी कहते हैं कि मेराज जरा रजब के महीने काल अबाल कस इमाम फरमाते बिल्कुल झूठ है वकाल हरबी कान इसरा सब शरीन में रबी लवल इमाम इसहाक इब्न इब्राहिम हरबी फरमाते कि मेराज 27 रात थी उस दिन रबी लवल की उदो होया, किसी ने आख्या 17 रमजान से उस दिन होया, गल्ला वो भी है नहीं बिल्कुल किसी नहीं मालूम कि महीना सी कि तारीख से यह चीजा साबित नहीं। मेराज ठीक है रसूल करीम अलैहिस्सलाम का सफर जरा कोई शक नहीं, बाकी महीना और तारीख यह किसी सही रवायत नहीं आती एदा सबूत नहीं। इस तो ज़कात का महीना इनू कहना मेराज का कहना एद कोई रोजे रखने या नफर यह चीजा साबित नहीं। साबित दो शायां अगर कोई कर सके एक उमरा इस महीने चला किसी नूं तौफीक दे उमरा करे ते सहाबा किराम ने रमजान शरीफ तो इलावा इस महीने की बड़ी शान समझी है हराम महीनों चो जद बड़े महीनों चो। इस तो कान इब्न उमर योज बनी आतमरा फी रजब शहर हराम बैन दहराना ये सन 46 सफा फजाइल शहर रजब ले ले इमाम अल हाफिज अभी मोहम्मद अल हसन बिन मोहम्मद बिन हसन अल खलाल बगदादी उन्होंने किताब फरमाते अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला ने बात बड़ी पसंद सी हजरत उमर रजी के बच्चे नूं कि रजब के महीने च उमरा किया जाए क्योंकि साल के दौरान यह भी हराम महीने चाहता और अरब लोगों ने रखा भी इन उमरे लिए सी 3 महीने हज दे सी अशर उल हज उमरा जरा सिर्फ रजब कर दी ए बारे फरमाया वक्का दरोवे अजालिकन उमर व उस्मान वायशा व रसद कासिम एना साहबा तू हजरत उमर उस्मान आयशा और बड़े बड़े ताबीन तो आया। इस तो रब तौफीक दे रमजान के रश तो बच के रजब जाया कर रजब की बड़ी फजीलत है हराम महीना और साहबा किराम ने इस महीने के अंदर उमरे किए हैं बहुत इन अच्छा समझा। दूसरी गल जी असं छड़ बैठे पहला और सूरे करीम अलैहिस्सलाम ने कुरबानी की तरह रखी इस महीने की कुरबानी सी जो करो जिन्हों रब ने पैसे दिते बकरा कवा कराया करो बहुत नेकी की गल अतीरा आंदे अरबी जबान एन ते ये रेहरा अतीरा ए पहला ईद की कुरबानी की तरह का सी मुसलमान यह भी कर ली बाद रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने आख्या हुण ओडा जरूरी नहीं उंज करो तो चंगा। इमाम अबू दाऊद फरमाउंदे एक सहाबी तो कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम नूं मैं पुछया अतीरा दा पहासना हजूर ने फरमाया बहुत अच्छा काम है बड़ा वड्डा उच्चा महीना है। अबू रदीन अकीली फरमाउंदे कुल तो यार रसूल इन्ना कुन्ना नज़बर ज़बा फिर रजब कि अल्लाह दे रसूल असीं इस महीने च कुरबानी देंदे सी जानवर अल्लाह दे नां च देंदे सी फना खुलो नत नुत मन दाना खुद भी खांदे सी जिहड़ा आउंदा सी उन्हां लोगां नूं पहुंच पकार अल्लाह बादशाह भी आपने फरमाया कोई डर नहीं अल्लाह दे रस्ते देंदे रहना चाहिदा। पकार वकील बिन उदैस अपने चाचे तो सुन के वकील नूं फरहा दा कि मैं नहीं इन्हूं बिल्कुल छड्डूंगा उम्र पर करदा रहूंगा और इमाम तहावी फरमाउंदा कि इमाम इबन औन रहमतुल्लाह अलैह भी करदे सी और इमाम मोहम्मद इबन सीरीन भी फरमाया कि मैं इस महीने के अंदर करना इस तो यह मुस्तहब है हुण ओडा जरूरी नहीं रहा कुरब मगर मुस्त अच्छा अमल यह भी है पूरे महीने के अंदर इस जानवर नूं ज़बह करके अल्लाह दे नां ते लोगों नूं खवाया जाए ते नेकी दी गल अतीरा अतीरा और उमरा
यह दो चीजा अगर कोई कर सके साबित है, बाकी चीजा जो दीन इस्लाम से उन्होंने कोई वजूद और सबूत नहीं मिलता पक्का, इस तो सही साबित नहीं हुई।